पांचों रातों में कयामुल्लैल का अहतमाम किया, उसने यकीनन शब्बे कदर पाई, खा उसे इल्म हो या ना हो। अब ये जो सोचा जाता था कि शब्बे कदर मिलेगी तो लैलतुल कदर की कोई निशानी मिली होगी, और आप एतकाफ से उठें तो पूछा जाता है अच्छा लैलतुल कदर मिली, और अजीब अजीब कहानियाँ बयान की जाती हैं, वो जी मुझे चीख सुनाई दी और मैं तो डर गया। और नहीं जी, लैलतुल कदर का डरने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चीखों पुकार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो सुकून की रात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लैलतुल कदर की निशानियाँ बयान की हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और इत्मीनान बयान फरमाया, ना कि चीखें मारना किसी का और डरा देना आकर। फरिश्ते इसलिए तो नहीं आते, फरिश्ते तो सकीना लेकर उतरते हैं। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब्बे कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली। अबू दाऊद की 1378 नंबर की हदीस है, मुस्लिम की 762 नंबर की हदीस है, तिर्मिज़ी की 3351, नसई की 793, तोहफ़तुल अशराफ़ की 18 नंबर की, यानी कि उसमें सुर्खी नहीं होती। यही मज़मून एक और हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल कदर आसान और मौतदल रात होती है, इसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी, इस सुबह का सूरज इस तरह तलू होता है कि उसकी सुर्खी मद्दम होती है। मुस्तदरक यालसी में से बयान किया गया 399 नंबर है, इब्ने खुज़ैमा ने इसे रिवायत किया, तीसरी जिल्द 231 नंबर। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब्बे कदर का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसे याद रखता है, इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा हो। मुस्लिम की 1180 नंबर की हदीस और तोहफ़तुल अशराफ़ की 1345 नंबर की हदीस, यानी बहुत रोशन चमकदार और यानी शफाफ क्लियर होता है चांद। तो इस रात में जितने भी चीज़ें हैं वो सलामती से मुतल्लिका है ना, तो फरिश्तों का आना उतरना, दिल में इत्मीनान कल्ब आना, सुकून महसूस होना, ये अलामत है, ना कि चीखें मारना और डर जाना और गिर जाना, जैसे जी मैं सो रहा था और मुझे डरा दिया गया। कोई मौतकफ़ बयान करता है, कोई मौतकफ़ कहता है कि जी वो मैं तख्त पर सो रहा था तो चारपाई पर या तख्त पर तो गिरा दिया गया, तो ये अलामत नहीं होती शब्बे कदर की। कोई शयातीन जिन्नात थोड़ी आते हैं आपके पास कि आपको सताएंगे, फरिश्ते आते हैं और वो तो तकरीम करते हैं मोमिनों के लिए, बहुत तकरीम करते हैं, ख़ुद भी मुकदम लोग हैं, अच्छी हरकतें थोड़ी करेंगे। लिहाजा ये अलामत नहीं हैं, अलामत हैं दिल में सुकून का आ जाना, इत्मीनान कल्ब महसूस होना, और फिर सबसे अहम बात यह है कि जिसने पांचों रातों में इबादत की उसने लैलतुल कदर यकीनन पा ली। अब लैलतुल कदर पा लें तो क्या करें? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब्बे कदर का कयाम करता है उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी की 2014 नंबर की हदीस है, मुस्लिम की 760, तिर्मिज़ी की 808, इब्न माजा की 1326। यानी इस रात में फिर क़याम करना चाहिए। क़याम क्या है? नवाफिल पढ़ना। इसी तरह दुआएं कसरत से मांगनी चाहिए और ख़ुसूसन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसा कि अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस से पता चलता है। अम्मा आयशा कहती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़ किया कि अगर मुझे मालूम हो जाए शब्बे कदर आज है तो मैं क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा आप ये दुआ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुहुन तुहिब्बुल अफ़ फ़अफ़ू अन्ना। ए अल्लाह, आपका तो नाम ही अफ़ु है और आपको माफ़ करना बड़ा ही महबूब है, बस आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। ये सही इब्ने माजा की 3105 नंबर की हदीस है, तिर्मिज़ी की 3513, निसई की छठी जिल्द की 2018, अहमद की छठी जिल्द की 171, मिशकात की 2091 नंबर की हदीस है। तो फिर इस रात कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ये दुआ बजाते खुद बहुत खूबसूरत इस्तग़फ़ार है, ये पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, खात्मा बिल खैर मांगना चाहिए, जन्नत के बुलंद दर्जात मांगने चाहिए और दीन और दुनिया की सलामती तलब करनी चाहिए। दुआएं, कुरान मजीद की तिलावत और नवाफिल। अलबत्ता ये जो नफिल बनाए गए हैं कि जी एक रकत में इतनी सूरत पढ़ लें, इखलास और इतनी पढ़ लें फलां, इसकी कोई असल नहीं है, आप सादा नवाफिल ही पढ़ेंगे। अलबत्ता अगर आपको कुरान याद है या कुरान का कुछ हिस्सा याद है
को आप फिर कयाम को तबील करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे अच्छी नमाज कौन सी है, तो आपने इरशाद फरमाया जिसका कयाम लंबा हो। तो कयाम लंबा करें, सजूद का ख्याल रखें। फिर ये भी लाजम नहीं है कि आप पूरी ही रात जागें। हमारे यहाँ ये गलत फहमी पाई जाती है, कई खवातीन के बच्चे होते हैं छोटे, वो नहीं जाग पाती। सहरी की भी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी होती है, मर्द हजरात ने काम पर जाना होता है, वो फिर कहते हैं अच्छा हम तो जाग नहीं सकते तो हम सो जाएं। ये गलत फहमी पाई जाती है, जिसने रात के एक हिस्से में भी कायम किया उसने पूरी रात कायम किया। ठीक है, आप ये तरावी के सिलसिले में भी मैं हदीस के सुना चुकी हूँ। लिहाजा तरावी का पढ़ लेना और दुआ वगैरह अच्छी तरह से मांगना, और अगर जितनी आपके पास हिम्मत और टाइम है, वुस्त है वक्त में, उसके मुताबिक आपका इबादत कर लेना बहुत है। और अगर कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट तरावी का जो अहतमाम है वो ज़रूर करें। तरावी पढ़े अपनी तो उसने इंशाल्लाह शबे कदर फिर पा ली। ठीक है, अब रह गया कि क्या पूरी रात जाग सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है जो दिक्कत का बाइस दिन में बनेगी तो आप जागिए, आपको मना नहीं किया करता कोई, क्योंकि नफल इबादत है ना। हस्बे तौफीक जो आप कर सकें। तो जो रिटायर्ड हजरात हैं, जो घर की बुजुर्ग खवातीन हैं, वो पूरी रात जागना चाहती हैं तो जाग लें, लेकिन जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, नौजवान हैं, तो उन्होंने अपने काम भी करने हैं, दुनिया के वो फ़राइज़ में है, ड्यूटी पर जाना है, छुट्टी नहीं कर सकते, सौ तरह के मसाइल हैं, तो उनका सिर्फ तरावी में शरीक हो जाना भी लैलतुल कद्र के क़याम के लिए बहुत है। नीयत और इरादा ज़रूरी है। ठीक है, और जिसने पांचों रातें जागी उसने इंशाल्लाह लैलतुल कद्र पा ली, क्योंकि इन पांच रातों में से एक रात बहरहाल लैलतुल कद्र है, हाँ हमें पता चले खा ना चले। तो लिहाजा फिर लैलतुल कद्र की नीयत से पांचों रातों में दुआएं करें और ये दुआ भी पढ़ें, इंशाल्लाह जो भी लैलतुल कद्र होगी उसमें आपकी रात, उस रात में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अब इसमें यह भी एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि जो हाइजा खवातीन हैं वो भी इन रातों में इबादत करें। ये हमारे यहाँ बहुत गलत तस्वुर पाया जाता है कि हाइजा औरत कुछ नहीं पढ़ सकती। नहीं जी, इसका जो आपसे कहे उसको कहे दलील ला कर, इसकी कोई दलील नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय नमाज और रोज़े के किसी चीज़ से नहीं रोका, ज़ुबानी पढ़ने से कभी नहीं रोका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हालत पाकी और नापाकी में अज़कार करते थे, उम्महातुल मोमिनीन भी करती थी, सहाबियात भी करती थी, कोई एक रिवायत इसकी मुमानियत की नहीं आती। लिहाजा आप अज़कार पढ़ें, आप जो है कुरान जो याद है उसको पढ़ें, आप दरूद पाक पढ़ें, आप दुआएं मांगें, किसी चीज़ से आपको नहीं रोका। ठीक है, तो ये रात ये सोचकर ज़ाया नहीं कर देनी कि ओहो मैं तो हाइजा हूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, हाइजा होने का मतलब खुदा नखास्ता के दिन से बाहर होना नहीं, अगला साल किसने देखा है रात आए ना आए। ठीक है, तो ये बहरहाल हैज़ के मसाइल में ये बात तफसील डिस्कस होगी कभी बेशक ज़िंदगी, लेकिन अभी ये याद रखिए कोई दलील मौजूद नहीं है, कभी सहाबियात ने जिक्र अस्कार कुरान कुछ तर्क नहीं किया, ना अम्माइशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तर्क किया, ना किसी और उम्महातुल मोमिनीन में से किसी अम्मा जान ने तर्क किया, ना सहाबियात ने तर्क किया, ना ही कोई इसकी दलील आती है, ना कोई हदीस आती है, ना इस बारे में कोई इख्तलाफ राय आता। ठीक है, मैक्सिमम जो एहतियात उलमा कहते हैं वो सिर्फ इतना कहते हैं कि कुरान मजीद को हाथ पर कपड़ा लपेट कर पकड़ना, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहते। पढ़ने के मुतलिक अख्तिलाफ नहीं है, अख्तिलाफ सिर्फ इस बात में है कि बेयर हैंडेड पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, और वो इख्तिलाफ भी बाद अज़ां आया, अहले सहाबा में कोई बहस नहीं हमें नज़र आती, ना ही रसूल अकरम सल्लम का कोई कॉल या सहाबियात का कोई क्वेश्चन इस बारे में हमें मिलता। तो ये बिल्कुल आज की बात है और हमारे यहाँ ही पाई जाती है, लिहाजा इस रात को ज़ाया मत कीजिए। आप अज़कार पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए, दुआएँ पढ़िए, दरूद पाक पढ़िए, और इस रात को पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।